ये रहा अपना रूम। ब्यूटीफुल। ठीक है, मैं लाइट जला देता हूँ। सॉरी, टीवी का जला दिया मैंने। ये देखो, ये रहा आपका बाथरूम। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो आप सोच रहे होगे कि मैं सुबह सुबह कहाँ जा रहा हूँ बैग वैग लेके। तो ब्लॉग में बने रहना, मैं थोड़ा ये हाइट रखना चाहता हूँ। तो मैं सुबह सुबह निकल गया हूँ एक मस्त प्लेस के लिए। तो आप गैस करो मैं कहाँ जा रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना। तो बने रहना ब्लॉग में, ठीक है। तो हे गाइस, स्टेशन में पहुँच गया हूँ, ठीक है। ये मैं शॉर्टकट गेट से ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेन आने वाली है, तो ट्रेन दिखाता हूँ मैं, ठीक है। गैस करना कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो फटाफट ट्रेन आता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। भीड़ तो बहुत हो रही है गाइस स्टेशन में। तो गाइस, ट्रेन आ गई है मेरी, आप देख सकते हैं, ठीक है। भारतीय रेल प्रस्थान करते हुए, तो ये गाइस, मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ, मेरी विंडो सीट थी। तो फटाफट पहुँचते हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो गैस करना कहाँ जा रहा हूँ, ट्रेन में आपको अगर पता चले। तो गाइस, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ, ठीक है। और भीड़ देख सकते हो कितनी है यहाँ, काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पर। मैं आया हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ आया हूँ। अगर आप लोग पहचान सकते हो मैं भीड़ देख के कि मैं कहाँ आया हूँ, तो कमेंट में ज़रूर बताना, बाकी मैं आपको मैं दिखाता हूँ। तो भाई, एग्जिट गेट में देखो कितना भीड़ है, बाप रे इतना भीड़ गाइस। सब लेटे पड़े हैं यहाँ, देख रहे हो। एग्जिट गेट में देख लो कितनी भीड़ हो रही है, इतनी कभी नहीं होती है। तो हे गाइस, मैं आया था हरिद्वार। आप मेरे पीछे देख ही सकते हो हरिद्वार का रेलवे स्टेशन, और सामने हम मेरे भोले भगवान देख रहे। तो भोले जी कितने प्यार से देख रहे हैं, ठीक है। और मैं आया था हरिद्वार घूमने के लिए, ठीक है, गंगा मैया का दर्शन करने के लिए। देख सकते हो रेलवे स्टेशन हरिद्वार। तो काफ़ी लोग, भाई लोग ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं कहाँ आया हूँ स्टेशन वगैरह देख के। तो अब फटाफट लेते हैं रूम, फिर चलेंगे हड़की पौड़ी, ठीक है। डिसाइड नहीं है, पहले हड़की पौड़ी भी जा सकते हैं या पहले रूम ले लेंगे, फिर है। तो हे गाइस, हम हड़की पौड़ी गए नहीं, पहले हमने रूम ले लिया, मैंने रूम ले लिया था। फिर क्योंकि सामान बहुत हो रहा था मेरे पास, तो सामान में रख के फ्रेश व्रेश होके तो फिर हड़की पौड़ी भी जाएंगे। शाम को धूप भी बहुत हो रही है, तो आपको पहले मैं रूम दिखा देता हूँ अपना, ठीक है। ये रहा अपना रूम, ठीक है। मैं लाइट जला देता हूँ, सॉरी टीवी का जला दिया मैंने। ये देखो, ये रूम लिया मैंने, ठीक है। ये रूम, और ये रहा आपका बाथरूम, ठीक है। तो अभी फ्रेश व्रेश होके नहा धो के कुछ खा पी के फिर मैं जाऊँगा हरकी पौड़ी में, ठीक है। वहाँ पर आपको मैं शाम की आरती वारती सब दिखाऊँगा। तो ब्लॉग में बने रहना, ठीक है गाइस, एंड लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। तो गाइस, तैयार हो गया हूँ मैं हरकी पौड़ी जाने के लिए। तो वहाँ जाके नहाएंगे धोएंगे और आपको शाम की आरती वरती सब दिखाएंगे। तो फटाफट पहुँचते हैं, अभी टाइम हो गया है, 6:30 से स्टार्ट होने वाला है, 5 बज चुका है, ठीक है। तो फटाफट पहुँचते हैं, रूम से निकल गया हूँ। तो फटाफट नीचे जाकर ऑटो टुक टुक लेता हूँ, पहुँचता हूँ हरकी पौड़ी। तो हे गाइस, मैं भी राम झूला के सामने ही हूँ, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कितना प्यारा लग रहा। देखो राम झूला ये रहा, और भीड़ बहुत है गाइस यहाँ पर, भीड़ आप चेक कर सकते हैं। और शाम हो रही है, पर धूप इतना हो रहा है कि लग नहीं रहा यहाँ शाम हो रहा है, और दूर दूर से लोग आए हुए हैं, बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पर। तो अभी मैं आपको इस साइड लेके जाके दिखाता हूँ वहाँ का, ठीक है, जहाँ पर हम नहा सके। इधर भी नहा सकते हैं, पर यहाँ कुछ ज़्यादा तेज़ चल रही है पानी, ठीक है। लोग तो यहाँ भी नहा रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए लोग यहाँ भी नहा रहे हैं,
सब जगह नहा रहे, पानी इतना तेज चल रहा, पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पर। तो अभी वहाँ चलते हैं, उधर भी छोटी गंगा काट रखी है, वो देखो वहाँ नहाने का है, तो वहाँ चलते हैं फटाफट, फिर वहाँ पर हम नहाएंगे। तो गाइस घंटाघर साइड आ गए, देखो हरिद्वार में भी घंटाघर है देहरादून के जैसे, यहाँ भी बहुत भीड़ है, ठीक है। और हम लोग यहाँ, मैं यहाँ आया हूँ, हम भी डुबकी उबकियाँ मारते हैं, मन तो मेरा ही बहुत कर रहा है, तो जगह देखता हूँ बढ़िया सा मैं, ठीक है, फिर मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो फटाफट चलते हैं, नहाने का लोकेशन ढूंढते हैं। तो गाइस इस साइड नहाने का सोच रहा हूँ मैं, यहाँ ये जहाँ भीड़ हो रही है यहीं पर नहाता हूँ, क्योंकि हर जगह बहुत भीड़ है, तो हर बार मैं यहीं नहा के, यहीं इसी साइड में नहा के जाता हूँ, तो इस बार मैं यहीं पर नहाऊँगा, ठीक है। तो फटाफट नहाते हैं, फिर मैं आपको शाम की आरती भी दिखाऊँगा, फिर ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, फिर आरती वरती दिखा के ब्लॉग को करूँगा एंड। तो हे गाइस मैं हो गया हूँ तैयार, कपड़े वपड़े उतार के, ठीक है, अब मैं नहाने वाला हूँ। यहाँ देखो कितनी भीड़ हो रही है, बहुत लोग हैं यहाँ पर नहाने के लिए। तो तुम्हारा भाई भी है, नहा रहा है, तो देखते रहना, और आप भी आओ जल्दी जल्दी। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ठंडी हो गई, गर्मी दूर हो गया ना, पानी हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो गाइस अभी तक मैं छोटे ये वाले गंगा में नहा रहा था, अब मैं जाऊंगा वो बड़े वाले गंगे में, उधर ट्राई करता हूँ नहाने का। और उससे पहले यहाँ देखो सब जंप मार रहे हैं, ट्राई मैं भी करूँगा जंप मारने का गाइस, तो ज़रूर बताओ, मैं भी जाता हूँ, ठीक है, जंप मैं ट्राई करता हूँ, आप भी देखते रहना। गाइस नहा धो लिया, डुबकियाँ मार लिया, आपने देखा ही कितना मजा आ रहा था डुबकियाँ मारने गंगा में। तो मैं तो आ गया हरिद्वार, तो आप कब आ रहे हो कमेंट में जरूर बताना, और आप भी ऐसे डुबकियाँ मारना, जंपिंग करने, वो पुल के ऊपर तो कूदने में तो बहुत मजा आया, तो उसका मैंने कहा रील शूट किया था, उसका भी मैं क्लिप डाल दूंगा रील का, ठीक है। तो अब शाम को होगी आरती, तो आरती वारती का मैं आपको दिखा। हर हर गंगे, गाइस भीड़ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा, आपको मैं ऊंचा करके दिखाता हूँ फ़ोन, ठीक है, ये देखो कितनी भीड़ है, चारों तरफ ये चक्कर। हेलो गाइस सही टाइम पे आ गए हैं हम लोग, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, जो मैं आपको आरती के दर्शन करा पा रहा हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ आई है, यहाँ पर लाखों लोग आए हुए हैं दर्शन के लिए गंगा मैया के, तो मैं आपको फटाफट गंगा आरती का दर्शन कराता हूँ, ठीक है। तो गाइस गंगा आरती शुरू हो गई, आप देख सकते हो कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर। आरती शुरू हो गई है, देखो लाखों करीब भीड़ है। गाइस मैं पहुंच गया था अपने रूम, तो घूम घाम के नहा धो के आपको आरती के दर्शन करा के रूम आ गया मैं फाइनली। अभी बज रहे हैं 9 बज गए समथिंग आते आते, तो पैर वैर मेरे सब दर्द हो गए। तो गाइस आशा करूँगा कि दिल से आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना, क्योंकि ये पूरा जो तीर्थ स्थल है ये पूरा महादेव
जी के ऊपर, भगवान जी के ऊपर हैं, गंगा जी के ऊपर हैं। तो प्लीज़ हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिख देना, आपको अगर आपका प्यार है तो प्लीज़ ब्लॉग में जरूर दिखाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे ही बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय। जटाधरी गगन जल प्रवाह पावि दस्तरे गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजम् कपालिकां नमः 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 नमः।